दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफी सारे लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर मैं ये कैसे पता करूं कि जो मैंने फोन परचेज किया है सेकंड हैंड उस पर कोई फाइनेंस है कि नहीं है। मैंने ओएलएक्स से फोन परचेज किया है, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में फोन परचेज किया है, अब ये कैसे पता करूं कि इसमें कोई फाइनेंस है कि नहीं है। पता चला कि जो है मैंने तो फोन परचेज कर दिया और बाद में जो है फाइनेंसर ने फोन ब्लॉक कर दिया, तो ये कैसे पता किया जा सकता है कि मेरा फोन जो है कोई फाइनेंस पे है कि नहीं है। मैंने करीबन 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप अपने फोन की EMI पे नहीं कर पाते तो एक्चुअल में आपके फोन के साथ क्या हो सकता है, क्या आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्या आपके सिविल पे इंपैक्ट पड़ता है अगर आप अपने फोन की EMI पे नहीं करते हैं। तो उसी में काफी सारे लोग ये कमेंट आ रहे थे कि ये कैसे पता करें कि फोन फाइनेंस पे है कि नहीं है। दोस्तों इसका पता कराना मतलब एक तरीके से नामुमकिन ही है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग जो है मेरे से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से इंस्टाग्राम पे। फोन पे फाइनेंस है कि नहीं ये पता करना काफी मुश्किल है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अब मान के चलिए कि आपने मेरे से फोन परचेज किया और मैंने उस पर फाइनेंस करा रखा था और मैं उसका टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा था, और पेमेंट नहीं करने की वजह से मैं ये ढूंढ रहा था कि कोई मेरे को बायर मिल जाए और मैं उसको फोन बेच सकूं, और आपने देखा कि यार ये फोन जो है 30,000 का फोन है और काफी सस्ते दाम पे मिल रहा है और आपने परचेज कर दिया, मेरे को वो पैसे मिल गए। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं उस फोन का EMI पे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आपसे तो मैंने टोटल पेमेंट ले ली और आपको ये पता ही नहीं है कि उस फोन पे फाइनेंस था। तो यहाँ पर आपको थोड़ी समझदारी दिखानी दोस्तों कि जब भी आप जो है कोई फोन परचेज करते हैं सेकेंड हैंड, तो सबसे पहले या तो आप बिल ले लीजिए। बिल अगर आपके पास मिल जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान के चलिए कि अगर उसने बताया है आपको, अगर आप किसी से पूछते हैं कि उसमें कोई फाइनेंस तो नहीं था, अगर वो कहता है कि हाँ इसमें फाइनेंस था, तो आप उनसे NOC ले लीजिए कि आपने जिस भी फाइनेंसर से फोन फाइनेंस कराया था तो उसका NOC आप दे दीजिए, ताकि आपको भी एक क्लियर हो जाए कि उस फोन पे कोई EMI बकाया नहीं है। मतलब उन्होंने टोटल पेमेंट कर दिया, NOC उसको मिल चुकी है और वो आपको हैंडओवर कर देंगे NOC। तो NOC से ये पता चल जाता है कि उस फोन पे कोई EMI नहीं है। बिल तो आप पक्का ही ले। बिल अगर आप ले लेते हैं तो उससे आप जो है 100% सेफ हो जाते हैं, आपके फोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ज्यादातर देखा गया है कि सैमसंग फाइनेंस करके जो है एक फाइनेंसर है जो फोन को ब्लॉक कर देता है। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपके फोन पे एक पॉपअप आता रहेगा कि आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो पॉपअप आता रहेगा और बार बार जो है आप फोन को कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप गैलरी खोलने जाएंगे तो वही पॉपअप आ जाएगा, लेकिन आप फोन को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। वो बोलेगा कि आप EMI पे कीजिए। अगर मान के चलिए दोस्तों कि आपने कहीं ओएलएक्स से फोन परचेज किया या अपने फ्रेंड सर्कल में परचेज किया है, तो आप बिल जरूर ले लें। और दूसरी बात, ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर मैंने EMI नहीं पे की तो क्या होगा। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके नाम पे यहां पर फाइनेंस नहीं लिया गया है। और जिन्होंने जो है पेमेंट नहीं किया, मान के चलिए कि मैंने EMI पे फोन परचेज किया और आपने मेरे से परचेज किया, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, या बैंक हो या फाइनेंसर हो, वो मेरे को पकड़ेगी, वो आपको कुछ भी नहीं करेगी, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये लगता है कि मेरा जो है अगर मैंने पेमेंट नहीं की तो क्या पता मेरे को पकड़े, तो आप पेमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि आपने तो कोई फाइनेंस कराया ही नहीं उस फोन पे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा ये ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप फोन परचेज करते हैं सेकेंड हैंड, तो बिल जरूर ले लें। बिल ले लेंगे तो आप भी सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ इस फोन पे कोई फाइनेंस नहीं है। और जहां तक रही लोग जो है ओएलएक्स से फोन परचेज करते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा दोस्तों कि जितना दूर रह सके ओएलएक्स से तो काफी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि काफी सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। काफी लोग जो है आपको एक डेस्टिनेशन पे बुलाते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ, ये फोन मेरे से परचेज कर लो। तो वहां पर जो है मैंने काफी लोग जो मेरे को कमेंट भी करते हैं कि सर मेरे से जो है फोन उन्होंने छीन भी लिया और मेरे पैसे भी लेके चले गए। तो वहां से लेने से अच्छा है आपसे मैं यही रिकमेंड करूंगा, या तो आप कहीं दुकान से सेकेंड हैंड फोन ही परचेज कर ले जो ऑथराइज डीलर हो या कोई ढंग का डीलर हो, या अगर आप चाहते हैं तो एक नया ही फोन फाइनेंस करा लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ यार ये मैंने फाइनेंस कराया है और मैं इसका टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ। दूसरों पे निर्भर होना ये आपको दिक्कत करेगा। दिक्कत क्यों करेगा, मान के चलिए कि आपने 30,000-40,000 रुपए दे के किसी से फोन फाइनेंस करा लिया, अब उस फाइनेंसर ने आपका फोन ही ब्लॉक कर दिया, जैसे सैमसंग फाइनेंस ज्यादातर ये 90% 99% ब्लॉक कर देता है, तो उस केस में आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसका सिंपली यही सॉल्यूशन है कि जब भी आप कोई सेकेंड हैंड फोन परचेज करें तो उसका बिल ले लें या NOC ले लें, या इनसे दूरी रह के आप कहीं किसी ऑथराइज्ड
जो आजकल काफी सारे शॉप्स आ गए हैं जहाँ सेकंड हैंड फोन मिलता है और उस पर भी फाइनेंस हो जाता है, तो वहां से लेने की कोशिश करें। बकायदा जो आप ओएलएक्स से लेते हैं या आपने अपने फ्रेंड सर्कल पे लेते हैं, आजकल ऐसे फ्रेंड्स आ गए हैं जो आप ही को डुबाने में लगे रहते हैं, उन्होंने जो है आपको फोन पकड़ा दिया, अब आपको ही परेशानी हो रही है। तो इससे अच्छा जो है या तो आप सेकंड हैंड किसी दुकान से ले लें या फर्स्ट हैंड किसी शॉप से जाके फाइनेंस करा ले, ताकि आपका भी जो झंझट है वो क्लियर हो पाए। और दूसरी बात, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने फोन फाइनेंस कराया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये आप ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि कहीं फोन ब्लॉक ना हो जाए। अगर इससे भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका 110% आपको रिप्लाई दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दी हुई है, आप डायरेक्टली आके मेरे से चैट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।